देखना लाइट को क्या हो गया। महेंद्र सिंह ने अपने नौकर लालू से कहा। जी ठाकुर साहब, अभी देखता हूँ। लालू की आवाज आती है। यार ये लाइट को क्या हो गया? अर्जुन ने रुद्र से कहा। लगता है लाइट का भी फ्यूज उड़ गया है, मेरी जिंदगी की तरह। रुद्र ने अपनी मोबाइल का टॉर्च ऑन करते हुए कहा। जल्दी करो, कोई जनरेटर चालू करो, कुलदीप ने कहा। सभी लोग लाइट आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ कुछ लोगों ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली थी, जिससे थोड़ा सा उजाला हो रहा था। अचानक से लाइट आ जाती है। जैसे ही लाइट आती है, ठकुराइन घबराते हुए कहती हैं, अरे बहू कहाँ चली गई? तन्वी कहाँ चली गई? कुलदीप ने कहा। बहू कहाँ है? महेंद्र सिंह ने कहा। तन्वी स्टेज पर नहीं थी, वो स्टेज से गायब हो चुकी थी। स्टेज के ऊपर ही अनन्या बेहोश पड़ी हुई थी। तभी समीर की नजर अनन्या पर पड़ती है। अरे ये अनन्या को क्या हो गया? पीयूष, समीर ने कहा। यार ये नीचे क्यों लेटी है? मोटी लेटी नहीं है, शायद बेहोश हो गई है। जल्दी पानी ला, समीर ने कहा। हाँ लाता हूँ। अरे बहू कहाँ चली गई? बहू, महेंद्र सिंह ने कहा। तन्वी, तन्वी, कुलदीप ने कहा। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। दुल्हन गायब हो गई थी। रिसेप्शन पार्टी में आए लोगों के बीच में ये बात आग की तरह फैलने लग जाती है। लोग आपस में बात करने लगते हैं। अरे ये दुल्हन कहाँ चली गई? एक आदमी ने कहा। ऐसे अचानक दुल्हन जा कहाँ सकती है? दूसरे आदमी ने कहा। सभी लोग स्टेज के पास जाने लगते हैं। स्टेज के पास धीरे धीरे भीड़ जमा हो चुकी थी। रुद्र और अर्जुन अभी भी स्टेज से दूर ही खड़े थे। स्टेज के पास इतनी भीड़ देखकर अर्जुन कहता है, यार ये स्टेज पर इतनी भीड़ क्यों जमा हो रही है? पता नहीं यार, रुद्र ने जवाब दिया। चल चल कर देखते हैं कि हुआ क्या है। नहीं यार, मैं नहीं आ रहा। अरे चल दो, हो सकता है कोई बड़ी मुसीबत हो गई हो, तभी तो इतने सारे लोग जमा हो रहे हैं। अर्जुन ने रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा। अर्जुन और रुद्र दोनों स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। देखो जल्दी, बहू कहाँ चली गई? ढूंढो बहू को। ऐसे कैसे गायब हो सकती है वो? महेंद्र सिंह ने कहा। पीयूष पानी की बोतल लेकर आता है और समीर को देता है। समीर पानी की बोतल का ढक्कन खोलता है और अनन्या के ऊपर अपने हाथों में पानी लेकर डालने लग जाता है। पानी की बूंदे अनन्या के चेहरे पर पड़ने के बावजूद उसे होश नहीं आता। यार इसे तो होश ही नहीं आ रहा, समीर ने कहा। अब क्या करें, पीयूष ने कहा। पीयूष और समीर बात कर ही रहे थे कि तभी स्टेज पर अर्जुन और रुद्र पहुंच जाते हैं। अनन्या को स्टेज पर बेहोश पड़ा हुआ देखकर रुद्र कहता है, ये अनन्या को क्या हो गया? पता नहीं यार, वो अनन्या को हम स्टेज पर आने से रोकते, उससे पहले ही वो स्टेज पर पहुंच गई। और जब उसने तन्वी को गले लगाया तो अचानक लाइट चली गई, और जब लाइट आई तो हमने देखा तन्वी यहाँ पर नहीं थी और अनन्या बेहोश पड़ी थी, पीयूष ने कहा। क्या कहा? तन्वी गायब हो गई, रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। हाँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, समीर ने कहा। ये सब छोड़ो, पहले अनन्या को होश मिलाओ। पानी डाला या नहीं इसके चेहरे पर? अर्जुन ने कहा। यार डाला, पर इसको होश ही नहीं आ रहा, समीर ने कहा। स्टेज पर ही महेंद्र सिंह, कुलदीप और ठकुराइन खड़े थे। अंकल जी, मेरी दोस्त बेहोश हो गई है, क्या कोई कमरा है जहाँ ये आराम कर पाए? इसको हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, फिर मिलकर एक साथ तन्वी को ढूंढते हैं, हो सकता है वो यहीं आसपास ही कहीं हो। हाँ बेटा। अरे लालू जा, रुद्र बेटे और उनके दोस्तों को हवेली के अंदर ले जा, महेंद्र सिंह ने कहा। जी ठाकुर साहब, अभी लेकर जाता हूँ। आइए मालिक, लालू ने कहा। रुद्र और उसके दोस्त अनन्या को उठाते हैं और हवेली के अंदर ले जाते हैं। अनन्या को एक कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। गाइस, अनन्या को पेट के बल तो लिटा दो यार, अर्जुन ने कहा। पर क्यों? सवाल बाद में पूछना, पहले जो बोला है वो कर, अर्जुन ने कहा।
एक काम करो पीयूष और अर्जुन, तुम दोनों यहीं पर अनन्या के पास रुको, मैं और समीर बाहर जाकर तन्वी को ढूंढने में मदद करते हैं। जब तक तुम कोशिश करो अनन्या को होश में लाने की, ठीक है? रुद्र ने कहा। हाँ ठीक है, अर्जुन ने कहा। रुद्र और समीर दोनों ही हवेली के बाहर स्टेज के पास चले जाते हैं और तन्वी को ढूंढने लग जाते हैं। तन्वी का पति कुलदीप भी तन्वी को हर जगह ढूंढ रहा था। महेंद्र सिंह और उसके आदमी घर के चारों तरफ तन्वी को ढूंढने में लगे हुए थे, पर तन्वी कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। इधर अर्जुन और पीयूष दोनों मिलकर अनन्या को पेट के बल लिटा देते हैं। अर्जुन अनन्या के पैरों के पास जाता है और उसके पैरों को 12 से 13 इंच ऊपर उठा देता है। जब पीयूष अर्जुन को अनन्या के पैर उठाते हुए देखता है तो वो कहता है, यार ये तू क्या कर रहा है अनन्या के पैरों के साथ? हाँ उसके पैर हवा में क्यों उठा रहा है? मोटे में ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि अनन्या के दिमाग में खून का प्रवाह सही तरीके से हो। अक्सर जब कोई बेहोश हो जाता है तो यही किया जाता है, इतना भी नहीं पता तुझे? नहीं यार मुझे तो नहीं पता, पीयूष ने कहा। जब तक मैं इसके पैर पकड़े हुए हूँ तब तक तू ये चेक कर ले कि अनन्या का किसी जगह से खून तो नहीं निकल रहा। अगर निकल रहा हो तो हमें मरहम पट्टी करनी पड़ेगी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ मैं देखता हूँ, पीयूष ने कहा। बाहर सभी लोग तन्वी को हर जगह ढूंढ रहे थे पर वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। महेंद्र सिंह, कुलदीप, रुद्र और समीर साथ में ही खड़े हुए थे। तभी महेंद्र सिंह के साथी आते हैं और कहते हैं, ठाकुर साहब बहुरानी को घर के कोने कोने में ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिली। क्या कहा कहीं नहीं मिली? पर तन्वी जा कहां सकती है? कुलदीप ने हैरानी के साथ कहा। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैंने पुलिस को फोन कर ही दिया है, वो बस आती ही होगी। हम भी तो देखें कि हमारा ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जो हमारी आंखों के सामने से हमारी घर की बहू का अपहरण करके ले गया। महेंद्र सिंह ने कहा। पता नहीं बहू कहाँ है और किस हालत में है, ठगुराई ने कहा। रुद्र के फोन की घंटी बजती है। हेलो, हाँ अर्जुन बोल, रुद्र ने फोन उठाते हुए कहा। यार सब नुस्खे आजमा लिए जितने मुझे आते थे पर अनन्या को होश नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमें अभी अनन्या को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अर्जुन की फोन में से आवाज आती है। तू फिक्र मत कर, मैं और समीर अभी आ रहे हैं। इतना कहकर रुद्र अपना फोन कट कर देता है। अंकल जी मैं माफी चाहूंगा, रुकना तो मैं यहाँ और चाहता था पर मेरे दोस्त को अभी तक होश नहीं आया है, हमें उसे लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, रुद्र ने महेंद्र सिंह से कहा। अरे इसमें माफी की क्या बात है बेटा, तुम अपने दोस्त को लेकर हॉस्पिटल जाओ और यहाँ की फिक्र मत करो, हम है ना महादेव सब ठीक कर देंगे। जय महाकाल। जय महाकाल ठाकुर साहब, इतना कहकर रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र के पीछे पीछे ही समीर भी उसके साथ जाने लगता है। अर्जुन, समीर, पीयूष और रुद्र अनन्या को जिप्सी में बिठाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहां से निकलते हैं वहां पर पुलिस की जिप्सी आ जाती है जिसके अंदर अजय और माखनलाल बैठे हुए थे।